फाइनली आज हम लोगों ने ये ऑनलाइन डिलीवरी डोर डैश करके ऐप है, तो एक्चुअली ये मस्टर्ड ऑयल ना हमें कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो फ्रेंड लोग भी गए थे देख के आए थे, तो अब हम लोगों को ये डाबर का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल भी मिल गया है और दही भी नहीं मिल पा रहा था अभी तक। ये नानक जो आपको बताया था ब्रांड, तो ये नानक का दही मिल गया है। अंडे तो खैर नॉर्मल है, एग्स तो बहुत अब इजी बस है आटे का मेरे। सॉर्ट आउट करना रह गया है कि वो जो ग्लूटेन फ्री टाइप का आटा मतलब इतना खिंचे ना, तो आशीर्वाद आटा देखते हैं देखते हैं, मतलब ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं क्योंकि कूपन वगैरह चल रहे होते हैं अभी फर्स्ट 3 ऑर्डर्स के लिए, फिर कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, तो बहुत सही डिस्काउंट। ये तो कितना मुश्किल से $5 में ये सब आ गया, और वैसे इसकी खुद की जो कीमत है वो $10 है, तो वो कुछ कूपन लगाए थे तो मेरे कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए, तो उन्होंने जब ऑर्डर कैंसिल हुए तो उसमें कूपन का डिस्काउंट नहीं कम किया, कूपन का डिस्काउंट पूरा बना रहा है, MRP जो था वो कम हो गया, तो ये टोटल $5.50 में ये 3 आइटम आ गए इंक्लूडिंग टिप। इंक्लूडिंग द टिप, $2 की मैंने टिप ऐड की थी, तो 5.50 में सब कुछ हो। और कहाँ बना है ये बताओ। हाँ, और ये कहाँ से आया है, इंडिया में भी कहाँ से, स्पेसिफिकली गाजियाबाद से, साहिबाबाद गाजियाबाद से आया है, ससुराल से आया है। हाँ, जो वहाँ पर डाबर इंडस्ट्री है वहाँ से ये हाँ सब वही कुछ वाला आ रहा डाबर। है। वही हाँ वहीं से आ रहा है ये सब कुछ। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपना घर क्लीन करने का, और ये बड़ा तगड़ा ही वैक्यूम क्लीनर है, समझ नहीं आ रहा पहले तो। समझ तो आ रहा है बट ट्राई हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। सब्जी चढ़ाई हुई है तुमने? अच्छा, अभी इसको पूरा भर के मलबा निकाला है यहाँ, ये वाली रग साफ की थी। इसी तरह का कुछ हम लोग भी लेंगे क्या? हाँ, बट हम लोग थोड़ा लाइट वेट, मतलब लाइट वेट लाइट कॉस्ट ज्यादा जरूरी, लाइट वेट लाइट कॉस्ट लेंगे, बट विल चेक की पावर ऐसा ही हो। हाँ, पावर, सक्शन पावर अच्छा होना चाहिए, सक्शन पावर अच्छा होना चाहिए। तो आज है 26 नवंबर, और 26 नवंबर है तो आप ये समझ रहे होगे कि आज नवंबर का आखिरी फ्राइडे, मतलब कि यहाँ का ब्लैक फ्राइडे जो होता है, इंडिया में भी होता है अब तो यहाँ पर तमाम डील्स वगैरह इस टाइम अपने को स्टोर्स वगैरह मिल जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि घर हम लोग देखने गए थे और घर एक फाइनल भी कर लिया था, तो उस घर में शिफ्ट भी होना है, तो शिफ्ट होना है तो ऑब्वियसली हमें सामान भी खरीदने पड़ेंगे, आयरन, वैक्यूम क्लीनर, गद्दा, तकिया, ये सब खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग आज या कल में निकलेंगे, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे आज एक्चुअली सैटरडे है, तो सैटरडे संडे तक भी डील्स रहती हैं, तो आज या कल में हम लोग निकलेंगे वॉलमार्ट या रियल कनेडियन कहीं तो निकलेंगे, जहाँ से ये सारा सामान लेंगे। बट आज हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे कि यहाँ मॉल में किस तरह की डील चल रही है। हम लोग कल एक्चुअली थोड़ा बहुत सामान लेके आ गए थे, तो वही आज फिर हम लोग जा रहे हैं थोड़ा एक्सचेंज वगैरह करने। ये शूज मतलब सिर्फ $8, $8-9 का, इस तरह की डील्स होती है, एकदम क्रेजी डील्स। अभी हम लोग फिर जाएंगे वहाँ पर, और आज का जो मेन वो रहेगा हमारा, जैसे हम लोग अभी पिछले बार फेस्टिवल में गए थे ऑल इज ब्राइट, इस बार आज इस सैटरडे हम लोग फिर से एक फेस्टिवल में जा रहे हैं, वाइट लाइट करके फेस्टिवल है, तो वहाँ जाएंगे देखते हैं वो कैसा। ओल्ड स्ट्रैथकोना मतलब दिखाएंगे आपको वो वाल्टर डेल ब्रिज, यहाँ का एक फेमस स्ट्रक्चर है एडमंटन का, ये भी लेके आए $10 only। तो वहां भी जाएंगे उस फेस्टिवल में, देखते हैं कैसा रहता है। अच्छा हाँ, एक दो इंटरेस्टिंग चीज आपको बतानी थी यहाँ कनाडा के बारे में। पहली चीज तो ये, जैसे अपने इंडिया में गाड़ियां होती हैं तो उसमें दोनों तरफ नंबर होते हैं आगे और पीछे, तो यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि गाड़ी के आगे आपको किसी गाड़ी में नंबर नहीं मिलेगा, गाड़ी के पीछे ही नंबर होते हैं। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अपने इंडिया में जैसे MRP इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी भी सामान को हम लेने जाते हैं ग्रोसरी वगैरह में MRP इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पर MRP लिखने का कल्चर ही नहीं है। तो अगर आपको कोई भी चीज लेनी है तो वो स्टोर का प्राइस जो वहाँ पर डिस्प्ले होता है, या अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आप जाके स्टोर में किसी से पूछ सकते हो, तो वो स्टोर के प्राइस पर बहुत मैटर करता है। इसलिए यहाँ पर सुपर स्टोर्स के पास रहना या अच्छे स्टोर्स के पास रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम चीज आपको हो सकता है, जैसे दूध है 4 लीटर का दूध है, कहीं पर $4.50 का मिल गया, $4.50 मतलब बहुत सही प्राइस है 4 लीटर के लिए, और कहीं पर आप बगल में ही जा रहे हो 7-Eleven या किसी नॉर्मल से ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो, तो वहां पता चला $8 का भी मिल रहा है, $6 का भी मिल रहा है, तो सारा का सारा प्राइस जो है वो स्टोर डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए अगर अच्छी डील्स आपको मिलती हैं तो 2-3 स्टोर्स में जाके देखो, डील्स कभी कभी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ लेना होता है। तो बस ये दो इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बतानी थी। रही बात जहाँ पर भी आप खाना खाने गए या फिर जो भी है, तो टिप देना है या नहीं देना है, ऑल्दो अगर कोई आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका फुल एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको 10% टिप दोगे, 10 मिनिमम। हाँ, मिनिमम 10% तो दोगे आप उसको। तो कल हम बॉस्टन पिज्जा खाने गए थे, तो वो बंदी खुद से, उसको समझ आ गया था हमारा फेस देखे कि दे आर न्यू कमर, तो वो हम लोग के पास आई और फिर हम लोग को थोड़ा चिट चैट करके, एंड देन ऑब्वियसली शी कन्विंस्ड अस टू गिव एटलीस्ट 10% टिप टू हर। तो
चलते हैं मॉल पे और थोड़ा बहुत वही ब्लैक फ्राइडे का सेल वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। सही लग रही है ये बिल्डिंग, अभी भी सही लग रही है। एकदम डायमंड जैसे कट्स मारे हुए हैं ना। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, मतलब मेट्रो अंडरग्राउंड होगा, पता नहीं अभी, पता नहीं है, कभी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, बट उसमें लिखा हुआ है 5 मिनट में कोई सी तो ट्रेन आ रही है। देखो टू मिलवुड, जब हमें वहाँ जाना होगा ना वॉलमार्ट किंग्सवे, तो यहाँ से ही सीधा किंग्सवे के लिए जाती है। चलेंगे कभी तो उसका भी आपको दिखाएंगे क्या हिसाब किताब है, हमें भी कुछ नहीं पता तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे ही बिल्कुल जैसे ही दिख रहा है, पूरा ही खाली खाली, ऐसा ऐसा लग रहा होता है ऐसे इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो ओपन नहीं हुई होती है ना, उतना यहाँ पर फुल होता है। पर एक्चुअली में क्या सीन है, यहाँ पर एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं तो मेरी आँखों में बहुत इम्पैक्ट कर रही है, तो इसलिए आई एम कैरिंग दीज गॉगल्स ताकि वो एकदम ड्राइनेस आँखों में भी बहुत फील होने लग जाता है। एग्जैक्टली, मेरा बहुत हेडेक होता है यहाँ पे। वो सब क्रिसमस की जो है सजावटें शुरू हो गई हैं यहाँ पर, क्रिसमसी माहौल हो गया है यहाँ। जब ये टिम हॉर्टन्स करके कॉफ़ी होती है यहाँ पर, ये सबसे फेमस कॉफ़ी शॉप है यहाँ की। जब मैं आया था, मेरा मतलब वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा था, तो उस टाइम इस तरह के मीम्स मैंने देखे थे इंस्टाग्राम पे कि वीज़ा जल्दी मिल जाता है इन कंपैरिजन टू टिम हॉर्टन की कॉफ़ी। जोक है एक्चुअली, बट हाँ मैं खुद भी गया अभी टिम हॉर्टन एक बार, तो लाइन लगती है कॉफ़ी की, और बढ़िया मतलब काफ़ी फेमस ब्रांड हो गया है यहाँ का। जस्ट कोजी एक आउटलेट है यहाँ का, बहुत अमेजिंग। देखो सब कुछ $10 का, ब्लैक फ्राइडे डील चल रही है। सारे जूते $20-20 के हैं सिर्फ। क्या 70% डिस्काउंट है इनमें? देखना कितने का पड़ेगा। 2490 का है, 598 का पड़ेगा। ये जैकेट्स $49 की है, और अच्छा ये 50% का है क्या? 49 मतलब कि 2495 की पड़ेगी। ये सीके का जैकेट है, कितने का है ये? $129 का है, इतना मस्त लग रहा है, अच्छा खासा, मतलब -20 के लिए है ये। ये सारे कोलंबिया के हैं, 99 का है ये। बंद करोगे तो आप छोटा लगेगा। मैं तुम फ्री हो, तुम ऐसे बंदी बंदी सी लग रही हो। हाँ वैसे ठीक तो है, इसमें हुड भी है, ये तो अच्छा है। $100 का है, ओमनी हीट वाला है यहाँ लिखा हुआ है। इतना पैसा खर्च करो तो बाजी तो चाहिए थोड़ी सी, बट अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम ले सकती हो। हम लोग स्पोर्ट्स चेक में, और लड़की को फाइनली एक कोलंबिया पसंद आया है, कोलंबिया ही कोलंबिया, $309। ये कौन सा, अरे ये भी कोलंबिया है भाई, 219। सुनो 219 -25%। This one is for? इसका वो नहीं है। मस्त लग रहा है ये, पता है ये छोटा है, थोड़ा और बड़ा लो,
जैकेट तो मस्त लग रहा है। ये पड़ेगा कितने का देखना? 139 का, 139 का पड़ेगा ना। We both like this jacket, but the major missing is hoodie. So anyhow, we have to reject it. पंजरेंद्र को मिला कुछ नहीं, मतलब पूजा को जो जैकेट पसंद आया कोलंबिया का $100 का था, पर वो थोड़ा ये था कि अगर एक दो लेयर अंदर डाल लेगी तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, और जो फिर सही रेट में था जिसमें सब कुछ ठीक था साइज़ वाइज, तो उसमें हुड नहीं था। तो हम लोग आ गए हैं वापस, तो बाद में कभी देखेंगे या तो ऑनलाइन देख लेंगे। जैसे मैंने मंगाया एक, अब हम लोग खाएंगे अपना जो कल हम लोग बॉस्टन पिज़्ज़ा गए थे ना वहाँ से बचा के ले आए थे। अबे ये उल्टा तो नहीं हो गया? ये हमारा पिज़्ज़ा कल का है, अब हम लोग इसको मस्त गर्म करके खाएंगे और फिर निकलेंगे फेस्टिवल में। विंटर वाइट लाइट, विंटर वाइट लाइट, ओल्ड स्ट्रेथकोना। आई लव दिस नेम स्ट्रेथकोना, समथिंग लाइक डिफरेंट यार, आई लव इट। बिल्कुल बर्फीला सा मौसम आ गया है और बस वाल्टर डेल पर हम पहुंचने वाले हैं। आई थिंक 5 मिनट की वॉक पे पहुंच जाएंगे, देखने लग गया है। लेट्स गो। चला आया पूजा, अभी सिग्नल पर ही रुकी हुई है, हो रही। हम लोग वाल्टर डेल ब्रिज पर आ चुके हैं, ये रहा वो ब्रिज। नीचे पूरी नदी है नॉर्थ सस्केचवान, पूरी फ्रोजन है इस टाइम। तो मैप जो रास्ता दिखा रहा था, ये जो आप पीछे जंगल देख रहे हो ये सारे, ये इनमें अंदर से कोई रास्ता जा रहा है ऊपर ऊपर को चढ़ता हुआ। तीन रास्ते हैं। हाँ, तीन चार रास्ते उनसे ही दिखा रहा था। तो वो तो यार अभी हम लोग शूज़ में भी क्लीट पहन के नहीं आए हैं और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, तो हम लोग अभी दूसरा ही रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। हालांकि मैप ने रीराउट कर दिया उसके हिसाब से, क्योंकि मैं ट्रेल नहीं पकड़ना चाहता, अभी रोड रहे वो सही रहेगा, है ना। क्योंकि वापस भी आना है तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि रोड वाला रास्ता कौन सा है। अगर नहीं मिला कोई भी रास्ता तो भाई फिर तो वापस ही जाएंगे, बट देखते हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया ऑलरेडी। देखो स्नो में रेलवे लाइन जा रही है, पता नहीं है यहाँ पर, हमने कभी लाइव देखा नहीं। शिमला गए थे देखने, बट देख नहीं पाए थे। अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, हम लोग अब पहुंच गए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये वाल्टर डेल थिएटर है, ये भी थिएटर है ना।
निकाल तो लो, निकालो। अभी निकालने में टाइम लग जाएगा। ये यहाँ का एक फेमस इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है, ये जो म्यूरल बना हुआ है। मेहनत की कमाई की कैंडी। मेरे को भी तो दूसरी दो। ये भी टेस्ट कर लो। क्या लिया तुमने? मैंने as usual अपना hot chocolate, my favorite। और मैंने? इसने लिया है London Fog। कुछ नहीं, यहाँ की दूध वाली चाय है। एम्बियंस काफी काफी अच्छा है। इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पर, और हम तो शायद जहाँ पर है वो साउथ वाला एरिया है ना। आई थिंक सो। एक ये नमस्ते इंडिया हो गया, एक ये देखो सामने दावत दिख रहा है, और भी हैं वैसे। व्हाई नॉट इंडिया करके था ना ऐसे कुछ करके, व्हाई नॉट कहाँ, हाँ व्हाई नॉट। ये जो सामने दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, वो भी इंडियन रेस्टोरेंट है। ये मैडम देखो दो दो कॉफ़ी पी रही हैं। फर्जी, अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आया, बहुत बकवास। अब हम लोग यहाँ पर क्योंकि टाइम कितना हुआ है, 7:40 हो गया है, और अभी वापस जाएंगे तो उस जगह पर थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई थी रोड पर, और एक बार मैं गिर भी गया था बल्कि फिसल के, वो बिल्कुल ही ब्लैक आई से समझ में भी नहीं आएगा। तो अभी रात में अगर जाएंगे पैदल तो रिस्की रहेगा थोड़ा सा। और हम लोग यहाँ जैसे ही निकले हैं तो सामने ही इस रेस्टोरेंट के बस स्टॉप है, तो सोचा बस को भी एक्सपीरियंस करें। तो ये हमारा टिकट है, तो ये टिकट जो मैंने उस दिन मंगाया था आपको दिखाया था, इस टिकट को लेके अब देखते हैं आने वाली है ना। हाँ, इन फोर मिनट्स 8 एबर्ट्सफील्ड। ये देखो यहाँ पर स्टॉप इस तरह से होता है, बस स्टॉप 2860 बस स्टॉप का नंबर होता है। तो यहाँ पर 4 नंबर और 8 नंबर वाली बस आती है, 8 नंबर हमारे यहाँ है। तो गूगल मैप में भी आपको दिखाएगा कौन से नंबर की बस पकड़नी है, और ट्रांजिट ऐप है उसमें भी आपको दिखाएगा। तो अभी ये उस तरफ रेड लाइट पर मैं देख रहा हूँ कि एक बस खड़ी हुई है, वो 4 नंबर है, तो हमें 4 नंबर नहीं पकड़नी है। जस्ट बिहाइंड एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी कंफर्टेबल बस थी, और एज यूजुअल रोड्स भी अच्छे हैं, तो जर्क्स कभी कुछ भी हुआ नहीं। और बेस्ट पार्ट की आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव ऑप्शन टू स्टॉप, एक रिक्वेस्ट स्टॉप। हाँ, रिक्वेस्ट फॉर द स्टॉप। तो एक वायर होता है येलो कलर का जो कि विंडो साइड में होता है, एक बटन भी होता है, और एक बटन होता है जो कि आइल साइड जो बैठते हैं उनके लिए पोल में। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, एंड अदरवाइज जो ड्राइवर है वो हर स्टॉप पे भी रोकेगा। यहाँ से जाओ, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से पैदल रुक जा। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये गूगल मैप वगैरह से अगर आप चेक करते हो ना पब्लिक ट्रांसिट सेट करके, तो वो प्रॉपर मतलब बस की लाइव लोकेशन मतलब रियल टाइम अपडेट होती रहती है, वो दिखाता रहता है कि कब आएगी बस, कहाँ जा रही है, कहाँ पहुँची है, विद प्रॉपर एक्यूरेसी। बढ़िया है। चलो फिर आज का दिन हुआ ख़त्म, देखते हैं अगला क्या होता है, क्या ऐसा एक्साइटिंग होता है कि मिलेंगे। आई होप कि अगला वीडियो वही होगा जिसमें हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं प्रॉपर।
लेट्स सी, चलो बाय बाय।